हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। प्रीवियसली वी कवर सेंसरी ऑर्गन चैप्टर एंड टुडे वी स्टार्ट एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। सो फर्स्टली व्हाट हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है जब हम एनवायरनमेंट का वर्ड जो है जब सुनते हैं? सो व्हेन वी से एनवायरनमेंट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन अवर माइंड इज एवरीथिंग अराउंड सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जस्ट लाइक एज हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। और वो किस तरह इंटरेक्ट करता है हमारे साथ? फॉर एग्जाम्पल, हमारे नज़दीक एयर होती है, वाटर, सॉइल, डिफरेंट एनिमल्स, हमारे सेम नेचर के पीपल जो हैं वो किस तरह एक आपस में जो है इंटरेक्शन करते हैं एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के साथ और ख़ुद आपस में लिविंग थिंग्स के साथ। तो आज इस चैप्टर में हम यही कवर करेंगे एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन के चैप्टर में। तो इसके कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि हमें बताएंगे कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी होती हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे हमें पता है कि लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए और एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, कॉम्पिटिशन में होती हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर और लाइट वगैरह के लिए। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होती है, कॉम्पीट करती हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में वो हमारे होते हैं प्लांट्स, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, ये हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। सेकेंडली हमारे आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक, ए मीन्स विदाउट, बायोटिक मीन्स लाइफ, जो कि बेजान होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के वाटर, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट टेल्स अस व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, डिजर्ट में जिस तरह के हमें पता है सॉइल होती है, वाटर कम होता है, तो हमें पता है कि कैमल्स वगैरह जो है वो ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। ये हमें कैसे पता चला? उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी एडेप्टेशन के बारे में, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, कि वहाँ की सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, रेनफॉल का रेशियो कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी। सो ऑल दीज एबायोटिक फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस ऑफ लिविंग बींग्स, दैट एट वॉट एरियाज दीज लिविंग बींग्स आर सर्वाइव। एंड एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे आ जाती है सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, विंड वगैरह, ये हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। पार्ट्स में तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना, वो मेन हमारे बैक्टीरियाज होते हैं और फंजाई होते हैं जो कि एज अ डिकम्पोजर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग डीके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो मटेरियल जो होता है ह्यूमन बॉडी का या प्लांट का, वो टर्न हो जाता है ह्यूमस इन द सॉइल। और ये ह्यूमस जो होती है वो मिनरल साल्ट बनाने में हेल्प करती है हमारी सॉइल के अंदर, और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है फर्दर प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर। प्लांट्स उसको दोबारा लेते हैं और फिर दोबारा से जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनके अंदर होता है, और जो भी वो मिनरल्स वगैरह लेते हैं सॉइल के अंदर से, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा जो है डिकम्पोजर्स का फंक्शन होता है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है अगर वहाँ पर डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हुई भी हो। मूव करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। वो हमारा जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप अपने इन्वायरमेंट के साथ, वो बनाता है हमारा इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो के कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, उनकी जो ड्रेसिंग होगी, उनका जो फूड होगा, वो एज़ कम्पेयर टू हॉट एरियाज़ के डिफरेंट होगा। मतलब लिविंग थिंग्स ने डिपेंड किया अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, तो ये जो सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये हम टोटली मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। सो इकोसिस्टम को जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। जो इंटरेक्शन होगी हमारी बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स की और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की इकोसिस्टम के अंदर, वो हेल्प करती है, मेंटेन करती है इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट को। और अगर स्कैर्सिटी और अबंडेंस हो जाएगा किसी भी एबायोटिक फैक्टर का, तो उस फैक्टर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो फैक्टर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो लोग हॉट एरियाज़ में रहते हैं उनकी क्लाइमेट जो होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एरियाज़ के। अगर जो हॉट एरियाज़ में रहने वाले लोग जो है वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे ऐसी क्लाइमेट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा
ठंडी होगी, बिकॉज उनकी फिजिक ऐसी है, उनके बॉडी के अंदर उतना फैट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कि कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करता है. तो वो जो है फिर जो बैलेंस होता है हमारे इकोसिस्टम में वो नहीं होगा. जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स में हमारे प्लांट्स आ जाते हैं. एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर अपने फूड के लिए, तो वो हमारे कंज्यूमर्स हो जाते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग कंज्यूमर है. जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, जस्ट लाइक गॉट हो गई हमारी, शीप हो गई, रैबिट्स हो गई, काउज, एलिफेंट्स, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि ये ओनली प्लांट्स को ईट करते हैं. जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो कार्निवोरस होते हैं जैसा कि फॉक्सेस हो गई, लियोपर्ड्स, लायंस, ईगल्स, ये हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं क्योंकि ये ईट करते हैं हर्बीवोरस को. हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको भी ये ईट करते हैं. इसलिए हम ये डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि किस चीज़ को खा रहे हैं. तो ये हमारे जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल फ्लैश खाते हैं. तो इसलिए इसको हमने कहा सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा हुआ है. और जो डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना. वो मेन हमारे बैक्टीरियाज होते हैं और फंजाई होते हैं जो कि एज अ डिकम्पोजर्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ड्यूरिंग डीके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो मटीरियल जो होता है ह्यूमन बॉडी का या प्लांट का, वो टर्न हो जाता है ह्यूमस इन द सॉइल. और ये ह्यूमस जो होती है वो मिनरल साल्ट बनाने में हेल्प करती है हमारे सॉइल के अंदर, और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है फर्दर प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर. प्लांट्स उसको दोबारा लेते हैं और फिर दोबारा से जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनके अंदर होता है, और जो भी वो मिनरल्स वगैरह लेते हैं सॉइल के अंदर से, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा जो है डिकम्पोजर्स का फंक्शन होता है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है अगर वहाँ पर डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हुई हुई हो. जैसा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर देयर सर्वाइवल. दे कॉपरेट एंड कम्पीट विथ ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर. वेरियस टाइप्स की जो है वो इंटरेक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जस्ट लाइक एज म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म एंड प्रेडेशन. म्यूचुअलिज्म के रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से क्या करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं. और म्यूचुअलिज्म की एक बेस्ट एग्जांपल होती है वो हमारी होती है लाइचिन. लाइचिन क्या होता है, अलगा और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको हम लाइचिन कहते हैं. अब अलगा जो होता है वो प्रोवाइड करता है फंगस को फूड, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपना फूड बनाता है. और फंगस क्या करता है कि उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, उससे फूड लेता है, कंज्यूम करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो उसने अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किए होते हैं फंगस ने. और ये प्रोटेक्ट करता है अलगा को फ्रॉम डायरेक्टली सनलाइट, अगर जब हॉट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो इसमें क्या हुआ, अल्जी को भी बेनिफिट हुआ और फंजाय को भी बेनिफिट हुआ. तो ये हमारी जो इंटरेक्शन हो जाती है, रिलेशनशिप हो जाता है, वो हो जाता है म्यूचुअलिज्म. पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट लेता है और दूसरे को हार्म होता है. जो पार्टनर बेनिफिट ले रहा होगा वो हमारा होगा पैरासाइट, और जिससे वो फ़ायदा ले रहा होगा वो होगा होस्ट. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, हेपेटाइटिस करते हैं, वो क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं ना, और हमारी बॉडी उनके लिए क्या होती है, होस्ट होती है. तो उनके लिए तो बेनिफिट हो गया लेकिन हमें वो डिजीज़ काज करते हैं, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं हुए. तो हमारी बॉडी उनके लिए होस्ट हो गई और वो खुद पैरासाइट हो गए, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म. कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा. अब ये अपनी नरिशमेंट और फूड लेते हैं किसी और प्लांट के साथ क्लिंग होकर, होस्ट के साथ, होस्ट प्लांट के साथ.
वो अपनी रूट्स को जो है बतौर फूड लेने के हेल्प करते हैं। वो क्या होती है, अपने रूट्स को रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को फ्रॉम द होस्ट प्लांट के। ये हमारी जो हो गई रिलेशनशिप, ये हो गया पैरासाइटिज्म, होस्ट और पैरासाइट वाला। थर्ड वन हो जाता है हमारा प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी इंटरेक्शन होती है, ऐसा रिलेशनशिप होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किल करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लॉइन हो जाता है वो फॉक्स को जो है किल करता है अपने फूड के लिए, तो ये जो रिलेशनशिप हो जाता है ये हमारा हो जाता है प्रीडेशन। इन्वायरमेंट के अपने एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं और सर्वाइव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट होना पड़ता है अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करके कि वो इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल जो होता है डिज़र्ट में होता है, तो डिज़र्ट में हमारी इतनी रेनफॉल भी नहीं होती, इतना पानी भी नहीं होता, तो वो अपने फूड को वाटर को अपने एक हम के अंदर स्टोर कर लेता है और वो काफ़ी अर्से तक वो जो है यूटिलाइज करता है। जस्ट लाइक कैमल का जो मैंने आपको वो लॉइन का मैंने आपको बताया कि वो रिलेशनशिप में आता है प्रीडेशन के, तो वो क्या करता है कि अपने प्रे को जो है चीर फाड़ के लिए, वो एक उनके केनाइन जो तीत होते हैं वो बहुत शार्प तीत होते हैं, तो उनकी जो तीत की वो मॉडिफिकेशन हो गई होती है अकॉर्डिंग टू देयर फूड, कि उनको कैसा फूड चाहिए उस तरह की उनकी जो एडॉप्टेशन हो गई है। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट के अंदर। और जैसा कि एक कैक्टस एक प्लांट होता है डिजर्ट के अंदर होता है, तो उसकी जो है निडल लाइक लीव्स होते हैं। वो क्यों होते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो वाटर है वो लूज ना, अगर ये ना होते तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो है वो वाटर एवोपोरेट्स हो जाता और सही से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी एडप्टेशन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर लेता है इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। और आपको जो जितने भी मैंने ये रिलेशनशिप बताए म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन के जो एग्जांपल्स बताए हैं, आपने पढ़ के या गूगल करके इनके और ज़्यादा एग्जांपल्स ढूंढने हैं। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, उनका क्या इफेक्ट होता है हमारे बायोटिक कंपोनेंट पे जो कि हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन पे क्या होता है, उसके उसको आपने ज़रा पढ़ना है और उसके रीजंस फाइंड आउट करने हैं। और लास्ट में जो है वो और ऑर्गेनिजम्स किस तरह उन लोगों ने अपनी एडप्टेशन की है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो वो कुछ आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये जो है एक शॉर्ट चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं इसके अंदर एडिशन करूँगी फूड चैन को और फूड वेब को, कि वो क्या चीज़ होती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसकी थोड़ी एडिशन करूँगी और टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को मैं थोड़ा बताऊँगी आपको। सो थैंक यू।